अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार और सभी पार्षद और सभी साथियों, पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सब लोग हम सब लोग जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश में आप चुनाव हमारे लोगों ने आप लेकिन हमारे आंखों देखी लोगों की हत्या हो रही है। इससे अगर हम लोग को होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी से हमको आशा है, पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से ये जनता का संदेश जाएगा और जनता और अच्छा के लिए लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा विवेक के साथ सहयोग करेंगे। जय जय हम लोग महामंडलेश्वर पंकजधर बाबा जी के नेतृत्व में गौ माता बचाओ यात्रा निकाले थे। यद्यपि चुनाव आज उनकी मांग न मानी जाए, उनको अनदेखा किया जाए। अतएव हम लोग माननीय कंप्यूटर बाबा जी के नेतृत्व में पूरा जन जागरण करते हुए कि जनता जनार्दन गोपालन करे, उनकी संरक्षा करे, सुरक्षा करे और जो लोग पालन नहीं कर सकते हैं वो गौशालाओं में भेजे। लेकिन अब गौशालाओं में कैसे भेजे, गौशालाएं तो बंद पड़ी है। किस सरकार ने बंद किया है, इसका दोषी कौन है, इसको जनता समझे ही क्यों ना बदलनी पड़े। लेकिन गौ माताओं को इस प्रकार से रोडों में मरते हुए हम आप यदि अनदेखी करते हैं तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी से धोखा करें। इसलिए हमारी निजी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि जिस प्रकार से हम सब लोग हिंदू धर्म सनातनी ये मिलकर के मांग किए हैं होती थी अत्यंत आवश्यकता होगी कि पंचतंत्र। लेकिन आज संपूर्ण कृषि मशीनों पर निर्भर हो गई है, इसलिए गौओं की विशेष करके बछड़ों की बैलों की उपयोगिता कम हो गई। आज हम एक जानकारी देंगे, इसके बाद कोई प्रश्न तक मुझे कौन सा पूछे। आप सबको भली भांति ज्ञात है कि इस समय संध्या समय से लेकर के किसी भी रूप में हम निकलते हैं तो गौओं के झुंड रोडों पर बैठे हुए मिल जाते हैं और उसमें हर दो चार किलोमीटर में एक गौ माता मरी हुई मिल जाती है। अरे भाई गौशाला इतनी सारी गाड़ी बन रहा मेरे की मैं तो कह रहा हूँ ना, गौ माता की गौशाला 1000 खोली है, 1000 प्रस्तावित है और 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपए एक गौ के तो 3 रुपए दे रहे हैं। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और अभी इनका गौ संवर्धन सब कुछ बना है पर झुंझुना पकड़ा दिया, कुछ नहीं है, जीरो कुछ नहीं इनके पास, कहाँ जा रहा है पैसा। अभी आप देख रहे हैं, अब आगे बात ना करें ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कितने करोड़ करोड़ ले रहे हैं, 1 करोड़ गौशाला गौ माता के लिए ले लेते। धन्यवाद आप सबको। अब रास्ता है जनता के सामने अपनी बात को रखिए, ये जनता अपने आप रास्ता ढूंढेगी। जो गौ के विरोधी रहेंगे, गौ सनातन के विरोध में रहेगा और जो व्यक्ति जो सरकार गौ को ऐसे मरने को मजबूर होता है, आपके मर रही है ऐसे सरकार को कोई भी जनता जनार्दन आने नहीं देगी। हमारा आप सब जनता से अनुरोध, बिकने में भी घोटाला हो गया तो मध्य प्रदेश में आप क्या मांग करेंगे कि नहीं, हमारा तो गौ मांग आप मत करिए ना, आप घोटाला मत करिएगा। अरे कोई योजना है तो लाइए, आप बताइए, एक योजना बता दिए गौ माता की, क्या गलत नहीं किया है कि हजारों योजना आ रही है और एक भी योजना गौ माता की नहीं है। तो हम सनातनी है, साधु संत जब देखा कि गौ माता सड़क पे है तो साधु संत भी सड़क पे है। जी, और जो व्यक्ति जो सरकार गौ को ऐसे मरने को मजबूर तरफ तरफ के मर रही है ऐसे सरकार को कोई भी जनता जनार्दन आने नहीं देगी। हमारा आप सब जनता से अनुरोध है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और साथ में आप सब उपस्थित हुए और गौ माता के लिए, चूंकि
गऊ का बचना बहुत आवश्यक है और गऊ एक्सीडेंट होना एक अलग बात होती है, और तड़प तड़प के मरना जिस ढंग से गऊ माता का एक्सीडेंट हो जाता है, तो 6 महीने 2 महीने 15 दिन लगातार गऊ माता जो है मरने को मजबूर रहती है। इसलिए आप लोग आगे अपनी बात को बढ़ाएं। धन्यवाद। सामने जो संतों की हत्या हुई थी शासन द्वारा की गई थी, तो उसमें भी गोपाष्टमी थी। जब जब जो लोग नेता लोग जिम्मेदार थे उन सभी की हत्या गोपाल मृत्यु जो हुई है गोपाष्टमी के दिन ही हुई है, तो क्या आप डिमांड करेंगे कमलनाथ सरकार अगर बनती है तो ये गौ हत्या बंद होगी? मध्य प्रदेश देखिए गौ हत्या वैसे भी बंद तो हुई है परंतु कागजों में हुई है और ये सामने मर रही है। आपको लगता नहीं है कि गौ माताएं जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात में काली गाय होती है एक्सीडेंट हो जाते हैं किसी की माँ जाती है? शिवराज सिंह चौहान पर्सनली आपसे बात करते हैं, कहते हैं कि हम अगर सरकार बनते तो ये गौशाला जो बन पड़ी थी वो शुरू कर देंगे, तो क्या उनका समर्थन? समर्थन क्या उनको बोलना था? हमको तो 25 दिन हो गए, रोज 20 दिन हो गए लगातार चल रहे हैं। आप तो आचार संहिता तो अभी लगी है, हम तो लगातार चल रहे हैं। उन्होंने एक ही बार नहीं, उन्होंने उचित नहीं समझा, उन्हें मालूम है गौ माता से बोझ नहीं चाहिए। आपने किसी ने भी बदतर व्यवहार किया हो क्या? बिल्कुल, हमारे देखे हमने तो सभी जगह उनके पास, आप कह रहे हैं हम लोग आंदोलन करें अनशन करें, सब करें, हम लोगों ने सब हमारे पास सारी चीजें हैं, यदि आपको आवश्यकता हो सब बताएंगे। परंतु शिवराज सरकार ने जरा भी नहीं सोचा, तो किस बात का है कि अपने आप को सनातन कहने वाली, जब चुनाव आता है तो सनातन 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 करते हैं, और उनको भी पूछना चाहता हूं तो सनातन की बात करते तो वो कहां चले गए? आइए हमारे साथ मिलकर के गौ माता के लिए गौ माता मांगे, आइए गौ माता बचाने के लिए तो हमारा भी दायित्व बनता है, हर सनातनी का दायित्व बनता है, हर हिंदू का दायित्व बनता है गौ माता बचे। धन्यवाद। जरा भी नहीं सोचा, तो किस बात का है कि अपने आप को सनातन कहने वाली, जब चुनाव आता है तो सनातन 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 करते हैं, और उनको भी पूछना चाहता हूं जो सनातन की बात करते थे वो कहां चले गए? आइए हमारे साथ मिलकर के गौ माता के लिए गौ माता मांगे, आइए गौ माता बचाने के लिए तो हमारा भी दायित्व बनता है, हर सनातनी का दायित्व बनता है, हर हिंदू का दायित्व बनता है गौ माता बचे। 20 रुपए एक गौ के तो 3 रुपए दे रहे, आप देख लीजिए रिकॉर्ड निकाल लीजिए। और अभी इनका गौ संवर्धन सब कुछ बना है पर झुंझुना पकड़ा दिया, कुछ नहीं है, जीरो कुछ नहीं इनके पास, कहां जा रहा हो पैसा? अभी आप देख नहीं रहे, अब आगे बात न करें ज्यादा अच्छा है, नहीं तो कितने करोड़ करोड़ ले रहा है, 1 करोड़ गौशाला मालूम गौ माता के लिए देते हैं। धन्यवाद आप सबको। और इसके बाद यदि आप सब कहें तो हमारा भी समय, जब आपने सारी योजनाएं आप इतनी निचले स्तर की योजना भी ले आए और गौ माता की योजना नहीं लाए, इसीलिए कि वो बोल नहीं देंगे, इसीलिए आपने किया। बोलना था हमको तो 25 दिन हो गए, रोज 20 दिन हो गए लगातार चल रहे हैं, आप तो आचार संहिता तो अभी लगी है, हम तो लगातार चल रहे हैं। उन्होंने एक ही बार नहीं, उन्होंने उचित नहीं समझा, उन्हें मालूम है गौ माता से वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल, हमारे देखिए हमने तो सभी जगह उनके पास, आप कह रहे हैं हम लोग आंदोलन करें अनशन करें, आप कहां से सीख रहे? वहां तो गाय बाहर से नहीं है कि वहां गोबर भी बिक रहा है, आप कोई योजना तो लाए? आप कोई योजना नहीं है, इसीलिए निकला रहे कि गौ वोट नहीं दे। आप जो महाराज जी बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गोबर राजनीति के कारण इन्होंने देखा कि वो कमलनाथ सरकार बनाई इसीलिए बंद कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि यदि गौ माता की गौशाला है तो आज गौ माता रोज बनी पड़ी हुई है, ये हमारा है, इसीलिए हर ऐसा कोई कोई भी जिला नहीं जिसमें चार चार तीन तीन गौशाला नहीं बनी, सब बंद पड़ी है, सारा मुआवजा देना बंद कर दिया। गौशाला पिछले बार भी आप चुनाव के समय आए थे और इस बार भी विधानसभा चुनाव के समय ये तो शिवराज सभी आपको वो क्यों याद आता? ये तो शिवराज सरकार को सोचना चाहिए, ये हमें नहीं, हमने लगभग 4 महीने 6 महीने 7 बार पहले से लगातार अनशन कर रहे हैं, 6-6 घंटे हमने बीच रोड या 12 नंबर पे हमने भोपाल और जबलपुर के बीच में हमने लगातार वहाँ बीच में 25-25 गौ में मरी उसके बीच में बैठ करके हमने अनशन किए, बार बार हमने निवेदन किया ये गौ माता की सड़क में पड़ी है पर वो इसका ध्यान नहीं दे रही, तो मजबूरी है कि जब डब्बा डब्बी की योजना आ गई, जूता चप्पल की योजना आ गई, छाता की योजना आ गई, अब गौ माता की योजना जब नहीं आएगी तो फिर हम बोलेंगे ना सब चुप रहेंगे। और चूंकि
कि गौ माता वोट देती तो जरूर कोई योजना आती। गौ माता वोट नहीं दे रही है, शिवराज जी वोट तो नहीं देगी, पर गौ माता शराब जरूर देगी। पूरे मध्य प्रदेश की ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ गौ माता तड़प तड़प के न मन में वो तैयार है, मरने को मजबूर है और वो भी तड़प तड़प के। कहाँ है तुम्हारा सनातन? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए इनका सनातन? 33 करोड़ देवी देव ये बताना चाहता हूँ, गौ माता की योजना नहीं लाई कोई, और गौ माता की गौशाला है उनमें सब में रोटी पानी घास चारा पानी सब बंद है। आज गौ माता की जर्जर हालत है, गौशालाओं की सब रोड में पड़ी है। आप तो कोई मध्य प्रदेश से एक बता दो सारी गौशाला की अस्तित्व, हाँ कोई कोई हजारों में एक है जो एक निजी रूप से बना रहे, जो निजी रूप से गौशाला चला रहे, बाकी सारी गौशालाएं जो है इन्होंने बंद कर दी है। इसलिए बंद कर दी कि इनको वोट नहीं मिल रही उससे। यदि योजना को लाते कोई, आप डब्बा डब्बी की योजना आ ले आए, आप जूते चप्पल की योजना ले आए, आप छाता की ले आए, गौ माता की नहीं आएंगे नाना था। इसलिए समाज बिकने में भी घोटाला हो गया तो मध्य प्रदेश में आप क्या मांग करेंगे कि नहीं हमारा गौ मां? आप मत करिए ना, आप घोटाला मत करिएगा। अरे कोई योजना है तो लाइए, आप बताइए एक योजना बता दिए गौ माता की, क्या गलत नहीं किया है? ये हजारों योजना आ रही है और एक भी योजना गौ माता के लिए नहीं है। तो हम सनातनी है साधु संत, जब देखा कि गौ माता सड़क पे है तो साधु संत भी सड़क पे जी तो ये कोई भी सरकार हो, यदि कमलनाथ सरकार होती तो हम उनसे भी बात करते, उनके विरोध में भी हम खड़े रहते, परंतु कमलनाथ सरकार ने हजारों गौशालाएं बनवाई है और इन्होंने राजनीति के कारण इन्होंने देखा कि वो कमलनाथ सरकार बनाई इसलिए बंद कर दिया। मैं कह रहा हूं कि यदि गौ माता की गौशालाएं तो आज गौ माता रोड बनी पड़ी हुई ये हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से जनता से कहना चाहते हैं ऐसी सरकार को काट के फेंको जो सनातन की बात करती है और सनातन के विरोध में विरोधी है, ये धर्म की बात करती है ये धर्म के विरोधी में। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? गौ माता बचाओ यात्रा इसी निकाल रहे हैं। सर दर्शन संत समिति मध्य प्रदेश ने विचार किया कि आज गौ माता तड़प तड़प के सड़कों मध्य प्रदेश की सड़कों में मरने को मजबूर है और शिवराज सरकार ने आज तक गौ माता की कोई योजना नहीं लाई। गौ माता के लिए हम लोगों ने बड़ी रास्ता देखी, कोई ना कोई योजना तो आएगी, डब्बा डब्बे की योजना आ गई, जूता चप्पल की योजना आ गई, छाता की योजना आ गई, पर हमारी गौ माता की योजना नहीं आई। आज गौ माता वोट देती तो जरूर कोई योजना आती। शिवराज सरकार केवल वोट से मतलब रखते हैं, सनातन से नहीं, इसलिए पूरा संत समाज आज सड़कों पे है और जनता जनार्दन से अनुरोध करता है ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंको जो सरकार के जो सरकार जो अपने आप को सनातन की बात करती है उनके ही सरकार में आज गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर है। बाबा आपके संतों का कहना है कि कंप्यूटर बाबा कहीं ना कहीं कांग्रेस के कहने पे काम कर रहे हैं। ये तो लोग कहते हैं क्योंकि हम यदि गलत बोलते हैं तो बताइए क्या गौ माता मध्य प्रदेश की सड़कों में तड़प तड़प के नहीं मर रही है? ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जनता से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि आपका संत समुदाय कह रहा है ये जी, आपका संत समुदाय कह रहा है कि कंप्यूटर बाबा कांग्रेस के कहने पे काम करते हैं तो ठीक है, वो उसका मतलब है कि गौ माता ऐसी तड़प तड़प के मरे? ऐसा जो संत ऐसा कहता है वो संत ही नहीं हो सकता है। गौ सनातनी वही है जो गौ माता की रक्षा करे, धर्म की रक्षा। शिवराज का सनातन और कमलनाथ का सनातन अलग अलग है? मुझे नहीं मालूम, ये तो उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा कैसा है, पर सनातन वो है जो सनातन के प्रति आस्था रखे, धर्म के प्रति आस्था रखे, केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल ना करें। आप सनातन की बात करते हैं, गौ माता आज सड़क पे मरने को मजबूर है, कहाँ है पर आपका सनातनी जी? पर चूंकि देखा जाएगा कंप्यूटर बाबा जो उस काम को हाथ में लेते हैं वो ठंडे बस्ते में चलता है लंबे समय बाद, चाहे वो नर्मदा की बात हो, चाहे नदी विकास की बात हो, गौ माता की। हमने देखेगा, हम लोग अपनी बात को जनता के सामने रखते हैं, जनता फैसला करना है। क्या जिन्होंने गौशालाएं खोली हैं, कमलनाथ सरकार ने हजारों गौशालाएं खोली, वो सरकार चाहिए कि जो शिवराज सरकार ने हजारों गौशालाएं बंद कर दी, गौ माता को तड़प तड़प को मरने को मजबूर कर दिया रोडों में, तो क्या जनता के सामने, जनता अदालत है उनके सामने हम लोगों ने निवेदन किया है, आप ही जो फैसला करेंगे वो आप करें। ऐसी सरकार चाहिए कि ऐसी सरकार?